जय हिंद। माननीय श्री तारो मिजे डीसी तिरप महोदय, कर्नल अमन अहलुवालिया सेना मेडल समादेशक महोदय, शिक्षा सम राइफल्स टुवाइस साहब, एसएम साहब तथा ट्रेनिंग टीम एवं एसएससी में फाइनल सिलेक्शन हुए कैंडिडेट, मैं आप सभी का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यह बड़ी खुशी एवं गर्व की बात है कि माइटी सिक्स असम राइफल्स में एसएससी के लिए 24 गर्ल्स और 43 बॉयज 6 वीक के प्री ट्रेनिंग में भाग लिए, जो 6 अप्रैल से लेकर 23 मई 2022 तक चला था। इसमें से 15 बॉयज और 4 गर्ल्स कुल 19 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। इसमें से आईटीबीपी के लिए 6 और असम राइफल्स के लिए 13 कैंडिडेट चुने गए, जो कि लगभग 30% सिलेक्शन हुए, जो हमारे तिराप सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। यह हमारे समादेशक महोदय द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि यह उपलब्धि हासिल हुई है। अब मैं डीसी तिराप महोदय से अनुरोध करता हूं कि उपस्थित कैंडिडेट को अपनी शुभकामना एवं बधाई से संबंधित करने की कृपा करें। माननीय डीसी तिराप महोदय, गुड मॉर्निंग। Most beloved and respected Commandant Mighty 6 Assam Rifle Aman Sabji, 2IC 6 Assam Rifle Patena Sabji, all the galaxies of officers of Mighty 6 Assam Rifles present here, and mere pyare Tirap district ke jawano, ye khushi ki baat hai ki aaj hum ek बहुत महत्वपूर्ण एक छोटा सा मैं सेलिब्रेशन है, जो कि एक आई कैन से दैट इट्स ए यूनिक एंड ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इट्स काइंड इन तिराप डिस्ट्रिक्ट। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द यंग गर्ल्स एंड बॉयज, आप लोगों ने जिस पोस्ट से भी आके यहाँ वो लोग का ये ट्रेनिंग में शामिल होके यहाँ सक्सेसफुली एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, उस एग्ज़ाम में ये कामयाबी हासिल करना रियली इट्स एक अद्भुत कार्य है, रियली ए ग्रेट अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड। आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू, आप सबको मैं रियली मुबारक देना चाहता हूँ। और साथ साथ में ये आप ये खूबसूरत दिन, ये सक्सेसफुल दिन, ये खुशी का दिन को देखने का मौका देने वाला यहाँ का सिक्स माइटी असम राइफल अंडर द कमांड एंड द लीडरशिप कर्नल अमन साहब जी, आपका टीम्स को और आपको भी हमें रियली आई रियली थैंक्स टू ऑल थैंक्स ऑल योर टीम्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ तिराप। आप लोगों ने यहाँ के लोग को किस तरह से आपका देश की रक्षा में या देश के हित में कैसे काम करना है एंड हाउ टू मेक देम थ्रो द सिलेक्शन कमीशन, आप लोग ने बहुत मेहनत किया है, आप लोग का बदौलत ही ये सक्सेस हुआ। अदरवाइज यहाँ का लोग, हालांकि इतना आइडिया मालूम नहीं है, आप लोग ने एकदम पात शोइंग जो कार्य आप लोग ने किया है, इट इज़ रियली अप्रिसिएबल एंड आई डू अप्रिशिएट ऑल योर टीम्स। तो आप लोग रियली बहुत खुशी लगा है, और आज से आप लोग जो है यू आर गोइंग टू बी ए सेंस पर्सन, यू आर गोइंग टू बी ए सेंस सिटीजन ऑफ द कंट्री, and now you are going to have your responsibility for the safety of your own people, you are going to work for the safeguard of your own country, to try to be loyal to your own duty। aap jahan mein posting karenge, jahan mein bhi aap karya karenge, be loyal to aapko malum hai na, really ekdum dil se, yeah, this is my job and this is my duty, I have to perform it, aisa karke ekdum strong determination ka sath aap ja karke kaam karna hoga। Once again, congratulate you, thank you, and आप लोग का जितना भी माँ बाप ने आप लोग का इतना मतलब सपोर्ट दिया है, वो लोगों का भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे।
कि आपका जरिए आपका अपना ओन निजी में भी निजी जिंदगी में भी सेंस आएगा, बदलाव आएंगे, आपका समाज में बदलाव आएंगे, एरिया में बदलाव आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में बदलाव आएंगे। तो विद दिस पीवर्ड आपका धन्यवाद तो है, साथ साथ में यहाँ का सिक्स असम राइफल के जितना ऑफिसर्स, ग्रेट सिक्स ऑफ ऑफिसर्स ये अंदर दिए कमान अमन साहब जी, आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं यहाँ तक समाप्त करते हैं। थैंक यू। समादेशक महोदय से निवेदन करता हूं कि उपस्थित कैंडिडेट्स को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय समादेशक महोदय, माननीय तारो मीजे साहब, पीसी तिराप डिस्ट्रिक्ट, टूआईसी पठानिया साहब, एसएम साहब, बाकी सारे जवान और मेरे खास यहाँ के यूथ जो कि हमारे एसएससी कैंडिडेट्स थे जो कि सक्सेसफुल हुए, आपका बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले ये बहुत खुशी की बात है कि हमने यहाँ पर 67 लोगों को ट्रेन किया था, 67 लोगों ने पूरे दिल लगा के अपनी यहाँ पर ट्रेनिंग करी, 67 में से 41 सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने सारे टेस्ट क्लियर हुए थे, 41 में से 19 जो कि आप लोग हैं यहाँ पर मौजूद, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, यानी कि आप ट्रेनिंग के लिए आप जाएंगे। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा जो 41 सेलेक्ट हुए थे उनमें किसी में भी कोई कमी पेशी नहीं थी, थोड़ा बहुत होता है कि मेरिट की वजह से अप एंड डाउन की वजह से हो सकते हैं, तो बाकी बचे हुए जो 19 के अलावा भी उसमें सेलेक्टेड थे वो भी मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि उनको भी अपने हार नहीं माननी चाहिए, उनको भी फिर से ट्राई करना चाहिए, 110% वो फिर से होंगे। आप जो 19 अभी सेलेक्ट हुए हैं कुछ आईटीबीपी में और कुछ असम राइफल्स में, आपके सक्सेस को देखते हुए आगे के जो बच्चे हैं वो आपसे सीखेंगे, तो आपको उनको अच्छी तरीके से अच्छा एक रास्ता दिखाना है। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, आप लोगों ने अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आप असम राइफल्स और आईटीबीपी में जाएंगे। सेकेंडली, अब आप एक यूनिफॉर्म पहनने वाले हैं, आप ये वर्दी पहनेंगे आईटीबीपी की हो या असम राइफल की भी, वो वर्दी के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, मेहनत करना होगा। यहाँ पर आपकी मेहनत ख़त्म नहीं हो गई है, यहाँ से आपकी मेहनत अभी शुरू होगी, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आप बाकी यहाँ पर देखिए, जवान देखिए, हमारे पुलिस के जवान देखिए, हमारे असम राइफल के जवान देखिए, CRPF के जवान देखिए, किस तरह से डिसिप्लिन के तौर पर बिल्कुल रखते हैं, किस तरह से उनका यूनिफॉर्म होता है, किस तरह से वो चलते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी आप ये नहीं सोच सकते कि अभी बस हो गया मेरा, यहाँ पर मेरे को सिलेक्शन तक ही अपना फिजिकली फिट रहने का ज़रूरत था, अब आपका शुरू हो, आपने जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको भी सिखाना है जो इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, पढ़ाई अच्छे से करनी है, गलत आदतों में नहीं पढ़ना है, गलत लोगों के झांसे में नहीं आना है। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा चीज़ें सिखाने लगेंगे, उनका लाइफ बर्बाद करने पे उनको उकसाने लगेंगे, उनसे दूर कैसे रखना है। आप लोगों ने दिखाया है उनको कि हम सही जगह पर कैसे जा सकते हैं, सही डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं, वो चीज़ आगे और बच्चों को भी सिखाना। तो यूनिफॉर्म पहनने के नाते आपने ये सोचना है कि मेरे को कितना लोग देखेगा यहाँ पर। अभी शायद सिविल ड्रेस पहन के आप जाता होगा बाहर, कोई ध्यान नहीं देता होगा, लेकिन आप ये एक यूनिफॉर्म पहन के जब जाएगा तो 20 लोग एटलीस्ट आपको देखेगा, ये आ गया, ये असम राइफल वाला है, ये आईटीबीपी वाला है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है तो आपको अपना कंडक्ट उसी तरह से और बेटर करना होगा, आपका हेयर कट से लेकर, आपका ड्रेसिंग सेंस से लेकर, किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, किस तरह से आप लोगों से बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने में बहुत ज़रूरी है, तो इसकी प्रैक्टिस अभी से ही करना शुरू करना है। डिसिप्लिन सिटीजन ऑफ इंडिया बन के आपने हर तरह से रहना। लास्ट थिंग मैं बस यही बोलूंगा, जैसे DC साहब ने कहा था कि मेहनत आपका रंग लाई है, आपने जिस तरह से यहाँ पर किया है तिराप डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत सारे बाहर लोग होते हैं जो अरुणाचल से बाहर हैं, तिराप डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ थी तब भी आपने
सेलेक्ट हुए हो। जो कोई एक बाहर जगह पर सेलेक्ट होता तो उसका अगर मानते हैं कि 50% का काम था, आपने 500% का काम किया है सिलेक्शन हो, तो ये जो आप लोगों की अचीवमेंट है ये टाइम ज्यादा है। आपके पास बहुत चैलेंजेस होते हैं और मैं जानता हूं जगह जगह बस्तियों में देखा है हमने, उसके बाद भी आप आए, उसके बाद आपने पहले ट्रेनिंग किया, यहाँ पर दिल लगाया, किसी ने कोई कट नहीं मारा, किसी ने कोई ऐसा मकरा नहीं मारा, उसके बाद आप सिलेक्शन के लिए गए, आपने सिलेक्शन अच्छे से किया, टेस्ट वगैरह अच्छे से दिए, उसके बाद आप सेलेक्ट होके आए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, और ये अचीवमेंट आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आगे जो ट्रेनिंग आएगी उसमें भी मैं बेस्ट करूंगा। आपको सोचना है कि मैं बेस्ट सोल्जर बनूंगा, मैं बेस्ट पर्सन बनूंगा, और किसी भी चीज के लिए अभी पीछे नहीं हटूंगा। जैसे कि मैंने बताया था कि आप रोल मॉडल हैं, और ये चीज आपने नहीं भूलनी है। एज अ रोल मॉडल मेरे को हमेशा हर समय बेस्ट के लिए एम करते रहना है। चैलेंजेस, इतने चैलेंजेस के बावजूद भी अगर आप ये काम कर सकते हैं तो सोचिए जब चैलेंजेस नहीं होंगी। एक बार आप सेलेक्ट हो गए तब सब लेवल प्लेइंग फील्ड पे है, तब कोई वो नहीं है, तब गलत वो नहीं करना है कि थोड़ा सा ठंडा बैठ जाना, नहीं। अगर आप इस ऐसे चैलेंज के साथ साथ भी सेलेक्ट हो सकते हैं तो सोचिए जब एक साथ सारे के सारे आ जाएंगे तब आप कितना अच्छा कर सकेंगे। ये चीज दिमाग में रखें। तो मेरे और मेरी ट्रेनिंग टीम जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दिया था, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमने जिन बच्चों के साथ मेहनत करी वो बच्चे अब सेलेक्ट होंगे, हमारी तरह ही यूनिफॉर्म पहनेंगे, और ये एक जो एक गुरु होता है उसके लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिनको हम लोगों ने ट्रेन किया, जिन लोगों को हमने सिखाया है, वही सक्सेसफुल होके आ रहे हैं। तो जो आपके गुरु थे यहाँ पर जिन्होंने आपके हेल्प करी है, तो उनके लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप सारे सेलेक्ट होकर यहाँ पर बैठे हैं, और हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के इतने बच्चे अब हमारी तरह ही एक यूनिफॉर्म पहनेंगे, एक फोर्स में जाएंगे और हमारी तरह ही फौजी बन के निकलेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। मेरा नाम सुलम लमा है, हम खिंसा बस्ती के। पूरा सक्सेस के पीछे तो ये 6 असम रेफल जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। मैं लोंगडिंग से हूँ, गिंगोंग वांगसू लोंगफोंग विलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 AR जो है हमें बहुत मदद किया, वो लोग हेल्प करके हम कर पाए ना। अच्छा, जो उनका और जो पीजी सर लोग हैं वो लोग बहुत हेल्प किया। मेरा नाम है कमिया दादा, बोधुरिया से हूँ मैं। मेरा बिग थैंक्स गोज टू 6 Mighty Assam Rifle और हमारा जो ट्रेनिंग टीम था उन लोग को बहुत बड़ा थैंक्स देती हूँ, क्योंकि दे हैव गिवन अस लॉट ऑफ सपोर्ट एंड फॉर बीइंग आवर मेंटरशिप। और हमारे पूरे जर्नी में उन लोगों ने सपोर्ट करके हम लोग वी हैव रीच्ड टू दिस हाइट ड्यू टू देयर सपोर्ट एंड एनकरेजिंग अस मेंटली एंड फिजिकली, and we have reached to this height which we never thought possible. So my big thanks goes to the all my 6 Mighty Assam Rifle. So thank you. Bharat Mata Ki Jai, Bharat Mata Ki Jai, Bharat Mata Ki Jai।